श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल सुसमृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जिससे सारे वास्तु दोष हमारे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि घर में वास्तु दोष हो गया है। आप किसी भी इंसान को बुला लीजिए, किसी भी विशेषज्ञ को बुला लीजिए, बहुत कुछ करा लिया लेकिन फिर भी वास्तु दोष ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर किसी नए विशेषज्ञ को बुलाएंगे तो फिर वो वही फिर से वास्तु दोष निकाल देते हैं, लेकिन वो ख़त्म कभी भी नहीं होता है। बस एक ऐसे उपाय हैं, ये सभी ऐसे उपाय हैं जिससे आपके घर का सारा वास्तु दोष ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं उन्हीं उपायों को बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जो आपको आगे वीडियो भी मिलती रहें। जैसे कि सबसे पहला उपाय है मेरा गंगा जल। जैसा कि सब जानते हैं, गंगा जल एक बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और गंगा जल में इतनी शक्ति होती है कि हमारी जितनी भी जो अब अपवित्रता है वो सारी ख़त्म हो जाती है, हमारे पाप तक सारे धुल जाते हैं। इतनी शक्ति होती है गंगा जल में। तो वो गंगा जल अगर आप अपने घर में छिड़कते हैं, रोज़ छिड़कते हो तो और भी बढ़िया है, नहीं तो एक हफ्ते में एक बार ज़रूर छिड़कना चाहिए, यहाँ तक कि उसको पीना भी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है और हमारे घर में जितने भी गलत कार्य हुए हैं वो सारे नाश हो जाते हैं और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। दूसरा है मेरा तुलसी। तुलसी का पौधा हमेशा हमारे घर में होना चाहिए। तुलसी से क्या होता है, हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वो सारी चली जाती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। तुलसी से जो हमारी नेगेटिविटी है वो सारे घर की दूर होती है। तो तुलसी बहुत ही ज़्यादा हमें लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप तुलसी लगा रहे हैं तो उसकी पूजा भी आपको करनी है। मेरा तीसरा उपाय है कि आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएं, जब भी जल चढ़ाएं आप, तो उस जल को, चढ़े हुए जल को आप नीचे से ले उठाकर, जलेड़ी होती है वहाँ पर या उसमें से लेकर, अच्छा है जलेड़ी है, वैसे तो आजकल मंदिरों में जलेड़ी नहीं मिलती है, अगर नहीं है तो भोलेनाथ का नीचे गिरा हुआ जल आप थोड़ा सा लोटे में भरकर ले आइए। उसे अपने घर में सभी कमरों में छिड़कना है आपको, जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जीना है, हर जगह आपको छिड़कना है, किचन तक में। उससे आपके घर में जितने भी वास्तु दोष हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको किसी भी वास्तु दोष विशेषज्ञ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे उपाय हैं जो आपको बहुत ही फल देकर जाएंगे। चौथा उपाय है मेरा बेलपत्र। बेलपत्र या समी का पेड़, आप बेलपत्र या समी का पेड़ भी अपने घर में लगा सकती हैं, क्योंकि माना जाता है जिस घर में बेलपत्र और समी का वृक्ष होता है वहाँ भगवान की सदैव नज़र रहती है और भगवान का आशीर्वाद उस घर को हमेशा मिलता रहता है, वहाँ पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होता है। चौथा पांचवा उपाय है मेरा गंधक और लोबान की धुनी। ये होता है कि बृहस्पति के दिन, या तो बृहस्पति के दिन आप गंधक लोबान की धुनी लगा सकते हैं, या किसी भी दिन आप गंधक और लोबान की धुनी अगर अपने घर में लगाएंगे तो जितने भी वास्तु दोष के हैं, बल्कि यहाँ तक कि जितनी भी आपके घर में बुरी हवाएं हैं वो सारी हवा से चली जाती हैं और घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। आपको एक हवन जरूर करना चाहिए, साल में करें, चाहे छः महीने में करें, चाहे एक साल में करें, जब भी आप करें हवन एक जरूर होना चाहिए साल भर में। आप किसी भी, चाहे नवरात्रों में भी आप इन हवन को कर सकते हैं, बेहद हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है और हमारे घर की वातावरण को शुद्ध रखता है। जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी है वो ख़त्म करता है। अगर आप हवन भी नहीं कर रहे हैं तो हफ्ते में एक कपूर की टक्की आपको जरूर जलानी है, उससे हमारे घर की नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सुबह शाम दिया जरूर जलाना है। बहुत से लोग दिया बस एक ही समय जलाते हैं, लेकिन गलत है, दोनों समय आपको दिया जलाना है। इससे जितने भी हमारे घर के वास्तु दोष हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं, घर में दुख की कोई वो ही नहीं रहती, कभी दुख नहीं रहेगा, हमारे घर में हमेशा सुख ही सुख रहेगा। और क्या करना है आपको, कभी कभी अपने घर की नज़र भी उतारनी है। बहुत से लोग आते हैं, नज़र लगा जाते हैं कि बहुत अच्छा मकान है, ये है वो है, तो उससे क्या होता है, नज़र लगने से हमारे घर में धन संपदा की कमी होने लगती है, हमारे घर में गरीबी सी आने लगती है। तो हमें नज़र ज़रूर उतार लेनी चाहिए। आप चाहे वो 32 उतार सकते हैं या आप 7-8 लाल मिर्च ले लीजिए, उनसे भी आप उतार सकते हैं, 7 ली जाती हैं। और मेन गेट पर स्वास्तिक जरूर बनाएं।
आप अपने मेन गेट पर हमेशा स्वास्तिक बनाकर रखें। कभी भी बुरी शक्तियां या नेगेटिविटी आपके घर में, आपके मुख्य द्वार में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो आपको हमेशा स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप चाहे हनुमान जी का सिंदूर ले आइए थोड़ा सा, या तो उससे बना लीजिए। बुरी शक्तियां आपके घर में वास कभी नहीं करेंगी। या अपने घर में जो सिंदूर हो उससे भी आप बना सकते हैं। आपको पोछा जब भी लगाएं, आप नमक डालकर लगाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। नमक डाल के पोछे लगाने में से हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। तो हमेशा पोछे के जब भी पानी लें, आप ये नहीं कह रही मैं आप रोज नमक का पोछा लगाइए, कभी कभी आप हफ्ते में जरूर लगाइए, इससे हमारे घर में नकारात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, जो आपको आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में लिखना हर हर महादेव।